नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु और धर्मगुरु रामभद्राचार्य देर रात पटना पहुंचे और धर्म ग्रंथों पर चल रहे विवाद पर कहा है कि रामचरितमानस में कुछ भी गलत नहीं है। लोगों ने इसकी गलत व्याख्या की है और इसे गलत साबित किया जा रहा है। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि रामचरितमानस में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि विवाद हो सके। मंत्री चंद्रशेखर पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि मंत्री जी को क ख ग घ भी नहीं आता है। रूस यूक्रेन के बीच जहां पूर्वोत्तर मोर्चे पर भीषण जंग जारी है, वही दुनिया भर में इसे लेकर कूटनीतिक कोशिशें भी तेज हो गई हैं। इसके लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA प्रमुख ने भारत और चीन द्वारा एटमी हथियारों के विरोध को बेहद अहम बताया है। CIA प्रमुख बिल बर्न्स ने कहा है कि उन्हें रूस द्वारा कभी भी एटमी हथियारों के इस्तेमाल का डर है, लेकिन भारत चीन के मसले पर वार्ता की पहल प्रशंसनीय है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को बजट पेश किया। इस बजट में राज्य सरकार की ओर से महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार के क्षेत्र में बेहतर करने का एक तरफा दावा किया गया है, तो वही बीजेपी ने हमला बोला है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि महागठबंधन सरकार का पहला बजट यथास्थितिवादी और केंद्र पर आश्रित बजट है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक नेता और वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को सोशल मीडिया पर समर्थन दे रही है। अमृतपाल सिंह के हथियारों से लैस सैकड़ों समर्थकों ने पिछले हफ्ते अमृतसर के पास अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया था। अगस्त 2022 में दुबई से भारत आने के बाद से ही अमृतपाल भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अप्रत्यक्ष फंडिंग रूट के माध्यम से सिंह का समर्थन कर रही है। बिहार में दाखिल खारिज की 1 मार्च यानी आज से नई व्यवस्था लागू हो गई है। सूबे के सभी 534 अंचलों में अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी दाखिल खारिज के मामले निपटाएंगे। यही नहीं, दाखिल खारिज में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का पालन करना भी अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि पहले आए आवेदन का निपटारा पहले करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता पर आयोजित वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है शहरी विकास में शहरी नियोजन और शहरी शासन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा है कि शहरों की खराब नियोजन या योजना बनने के बाद उसका सही इम्प्लीमेंट न होना हमारी विकास यात्रा के सामने बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है। बिहार विधानसभा में आज बजट सत्र का तीसरा दिन है। तीसरे दिन सदन का सत्र शुरू होते ही विरोधी दल भाजपा की तरफ से गलवान मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। भाजपा यह नारा भी लगा रही है कि शहीदों का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। दरअसल वैशाली के जनदाह में गलवान घाटी में शहीद जवान जय किशोर के पिता राज कपूर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने जिस मामले में शहीद के पिता को गिरफ्तार किया उसकी जानकारी परिवार को नहीं है। इनके ऊपर रंगदारी की धारा लगाई गई है। आज मार्च महीने के पहले दिन से ही कई चीजों में बदलाव देखने को मिला है, जिससे होली के त्योहार से पहले आम लोगों को एक जोरदार झटका लगा है, क्योंकि इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। इस महीने के पहले दिन ही घरेलू रसोई गैस के दामों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही अब दूध के रेट में भी बदलाव की जानकारी सामने आ रही है कि अब 1 लीटर दूध के लिए लोगों को 5 रुपए अधिक देने होंगे। 1 मार्च 1951 में जन्मे नीतीश कुमार आज 72 साल के हो गए हैं। जदयू नीतीश कुमार के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है और उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर पटना की सड़कों पर होर्डिंग के जरिए बधाई और शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। बचपन से आसमान को छूने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन उड़ान कुछ ही लोग भर पाते हैं। ऐसा ही कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ मॉडलिंग की दुनिया में आई आदिवासी मॉडल आलिशा गौतम शायद दुनिया की पहली ऐसी मॉडल है जो अपने बच्चे को गोद में लेकर रैंप वॉक करने उतरी है। माँ बनने के बाद ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने वाली 29 वर्षीय आलिशा गौतम पेशे से टीचर भी हैं, साथ ही अपना क्लाउड किचन भी चलाती हैं, जिसमें वह खुद पारंपरिक पकवान बनाती हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सप्ताह भर की यात्रा पर मंगलवार को ब्रिटेन पहुंच गए हैं, जहां वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देंगे। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ बातचीत करेंगे। कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल में विजिटिंग फेलो गांधी विश्वविद्यालय में 21वीं सदी में सुनना सीखना विषय पर व्याख्यान देंगे। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को हथियार बनाकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी ने अपने इस कदम से लोगों के बीच पार्टी की स्वच्छ छवि को पेश करने की कोशिश की है। हालांकि मंत्री सत्येंद्र जैन से 9 महीने बाद पार्टी ने इस्तीफा लिया, इस पर लगातार प्रश्न भी उठ रहे हैं। इसके बावजूद पार्टी जनता के बीच नैतिकता का संदेश देना चाहती है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले मामले में चल रही जांच के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ऐसे नेताओं की सूची शेयर की है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद उनके खिलाफ जांच बंद कर दी गई। थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नारे पर भी चुटकी लेते हुए कहा है कि शायद वे बीफ के बारे में बात कर रहे थे। दिल्ली के शराब नीति के मामले में अरेस्ट मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखे 3 पन्नों के इस इस्तीफे में उन्होंने अपने पिता का जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, दिल्ली के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 8 साल तक दिल्ली सरकार के मंत्री के रूप में मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है। मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे अपना काम हमेशा ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा करने की शिक्षा दी थी। ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने मंगलवार को कहा है कि वह भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने कहा है कि अब विस्तृत और सबसे अनुकूल मान्यता समझौता होगा। क्लेयर 28 फरवरी से 3 मार्च तक भारत के दौरे पर है। वह उच्च शिक्षा क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी को बढ़ाने के मकसद से यात्रा पर हैं। नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सीपीएन यूएमएल ने प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। प्रचंड के राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल को समर्थन देने का फैसला करने के बाद 2 महीने पुराने गठबंधन में दरार दिखाई देने लगी है। राष्ट्रपति पद का चुनाव 9 मार्च को होना है। भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा के भारत के पड़ोसी हिमालयी देश का दौरा करने और प्रचंड की नई दिल्ली यात्रा की संभावनाओं पर चर्चा करने के कुछ दिन बाद ही नेपाल पर यह संकट आया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को उसके ऐतिहासिक फैसले और लोकतंत्र के अस्तित्व को बचाने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य विधानसभा का आगामी सत्र अब बिना किसी व्यवधान के चलेगा। मान के इस टिप्पणी से एक दिन पहले पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि उन्होंने 3 मार्च को बजट सत्र के विधानसभा की बैठक बुलाई है। राजधानी के विकास और उसकी तरक्की के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष व उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मास्टर प्लान 2041 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। एलजी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इस दौरान जहां झुग्गी वहां मकान के तहत इन सीटू पुनर्वास योजना के लिए महिला लाभार्थियों को संबंधित दिशा निर्देशों में ढील देने का भी फैसला लिया गया है। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारतीय यूरोपीय संघ FTA चीजों को बेहतरी के लिए बदलने में बड़ी मदद करेगी। उन्होंने इंडिया यूरो बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापार समझौतों के लिए भारत का नया गुणवत्ता को महत्व देता है। उन्होंने कहा है कि भारत के निकट भविष्य में विकास जारी रखने वाली एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद है। स्थिरता को चलाने में व्यवसायों की प्राथमिक भूमिका है। भारत और यूरोपीय संघ बहुध्रुवीय भू राजनीतिक और सुरक्षा चिंताओं में विश्वास करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को मुंबई के बाहर भी Z+ सुरक्षा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत और विदेश में भी अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को Z+ सिक्योरिटी कवर मुहैया कराने का आदेश दिया। अदालत ने सुरक्षा कवर में आने वाली लागत को लेकर भी निर्देश जारी किया, जिसमें कहा है कि इसका पूरा खर्च अंबानी परिवार की ओर से उठाया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बुरी खबर सामने आई है। फरवरी के महीने में सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। गिरावट की सबसे बड़ी वजह महंगाई और लैंडिंग कॉस्ट में इजाफा है। वैसे बढ़ती महंगाई के बीच डोमेस्टिक डिमांड में तेजी के कारण सेक्टर में थोड़ी मजबूती बनी रही। भारत का S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पिछले महीने जनवरी के 55.4 से काफी हद तक 55.3 पर अनचेंज ही देखने को मिला है। वैसे यह लगातार 20वां महीना है जब देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 50 अंक से काफी ऊपर है। तमिलनाडु में RSS रूट मार्च के खिलाफ दायर राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया। ये सुनवाई 3 मार्च को होगी। तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार 6 जिलों में मार्च को इजाजत नहीं दे सकती है, क्योंकि इन इलाकों में PFI व बम ब्लास्ट आदि का खतरा है। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें हाई कोर्ट ने RSS को मार्च निकालने की भी अनुमति दी है। फरवरी के आखिरी सप्ताह में कुछ राज्यों में तापमान में असामान्य बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने हीट वेव और लू को लेकर अलर्ट जारी किया और गर्मी से निपटने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी की है। यह पहला मौका है जब 28 फरवरी 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भारत में पड़ रही गर्मी से निपटने के लिए अलर्ट जारी करना पड़ा। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर हीट वेव से बचने के उपाय भी बताए हैं। सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद रक्षा मंत्रालय ने रक्षा लेखा महानियंत्रक को एक ही किस्त में 1 रैंक 1 पेंशन का बकाया जारी करने का निर्देश दिया है। OROP के तहत भुगतान में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ी फटकार लगाई थी। CJDY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मंत्रालय के सचिव के जारी किए गए पत्र पर एतराज जताया और उन्हें अपना रुख साफ करते हुए एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
चीन लगातार ताइवान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है। ताइवान का कहना है कि चीन के 19 सैन्य विमानों ने इसके इलाके में उड़ान भरी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि उसके पिछले 24 घंटों में अपने वायु क्षेत्र में 19 चीनी वायुसेना के विमानों को देखा गया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने 19 चीनी विमानों को ट्रैक किया है जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में उड़ रहे थे, जिसके बाद इसमें सवार क्रू को चेतावनी जारी की गई। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय झा ने गौतम अडानी प्रकरण पर पीएम वित्त मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि ऐसा लगता है लोगों ने अपनी जमीन बेच दी है। इस बयान पर इंफोसिस के पूर्व निदेशक मोहन दास पई ने कहा है कि जमीन किसी ने नहीं बेचा, बस सेबी के रिपोर्ट का इंतजार करिए। मूडी रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारा अनुमान है कि G20 वैश्विक आर्थिक वृद्धि पर 2022 के 2.7% से घटकर 2023 में 2% रह जाएगी, फिर 2024 में सुधर का 2.4% हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्रा स्फीति में नरमी जारी रहेगी, लेकिन केंद्रीय बैंकों के लक्ष्यों में गिरावट की गारंटी नहीं है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मंगलवार को प्रसिद्ध जीव विज्ञानी और भारतीय वन्य जीव संस्थान के डीन वाईवी झाला को 28 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2024 तक उनकी सेवानिवृत्ति पर दिए गए विस्तार को वापस ले लिया गया है। मंगलवार को न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए झाला ने कहा था कि चिता प्रोजेक्ट खुद मेरा था, लेकिन सरकार माता पिता है, सरकार जो चाहे कर सकती है, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। कल शाम मुझे बताया गया कि मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया है, सरकार द्वारा मुझे कोई कारण नहीं बताया गया। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बुधवार को बताया कि भारत की अध्यक्षता में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कल होगी। मंत्री स्तर की यह दूसरी बैठक होगी। आयोजन स्थल राष्ट्रपति भवन का सांस्कृतिक केंद्र होगा। 40 प्रतिनिधि मंडलों के भाग लेने की भी उम्मीद है। भारत में यौन शोषण और रेप के मामले में आरोपी स्वघोषित स्वामी नित्यानंद एक बार फिर अपने नए प्रोपेगेंडा की वजह से सुर्खियों में है। दरअसल नित्यानंद ने दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर और त्रिनिदाद के पास एक टापू खरीदा था। उसके इस टापू को नया देश घोषित कर नाम दिया था कैलाश। अब नित्यानंद ने अपने देश के एक प्रतिनिधि मंडल को संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भेजने का दावा किया है। कैलाश की ओर से एक महिला साध्वी विजय प्रिया जिनेवा में हुए संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में हिस्सा लेती हुई दिख रही है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, महेंद्र कुमार, नुन्नू गोलू कुमार, एमडी शाकिर हुसैन, एमडी नौशाद रजा, अर्जुन राम और रविशंकर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आदिवासी समाज को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर सकते हैं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।